could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. ये सही कर दी सुनील भैया ने मेरी लाइफ। वैसे तो मैं घर में डेली क्लीनिंग और डस्टिंग करती हूँ, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे मंथली क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ कि मैं एक महीने पे लगभग मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको क्लीन करती हूँ। तो कुछ तो एरिया मैंने कवर कर लिए हैं और कुछ मैंने छोड़ दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले बारी आती है वॉल डेकोर की। ये मैं डेली साफ़ नहीं कर पाती हूँ, इसको भी मैं महीने में एक बार ही क्लीन करती हूँ। और इसके साथ साथ जैसे अब विंटर्स धीरे धीरे जा रहे हैं, तो वुलन की जो बेडशीट्स हैं उनको मैंने हटा दिया है। फोम की मोटी कॉटन की बेडशीट्स अब मैं बिछा रही हूं। और जब मैं मंथली क्लीनिंग करती हूँ तो मैं कोई भी एक अलमीरा क्लोज़ेट लेके उसे बिल्कुल क्लीन करती हूँ अच्छी तरह से, लेकिन वो सारी लगभग क्लीन है। तो मैंने जो बेड के साइड की ड्रॉर्स थी ना पूरे घर में, वो सारी ड्रॉर्स बिल्कुल सही कर दी, उन्हें डीक्लटर कर दिया, यानी कि बेकार का सामान तो मुझे निकालना ही है। तो इस तरह से मेरी जो अलमीराज और क्लोज़ेट हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई हैं। ये जो कर्टेंस हैं ये मैंने जब बनवाए थे तभी हैंग करे थे, उसके बाद ये क्लीन नहीं हुए, दिवाली पर भी छूट गए, तो इनको अब हटाना था मुझको और नए कर्टेंस मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। रीज़न इसकी ये है कि मैं हर महीने कुछ ना कुछ ड्राई क्लीन का मेरा सामान इकट्ठा हो ही जाता है, जैसे कभी दरियाँ हुई, कारपेट्स हुए या मेरी खुद की साड़ियाँ हुई, तो ये सब सामान मैंने इकट्ठा कर दिया। इसमें कुछ मेरे ब्लैंकेट्स भी हैं, कुछ रजाइयाँ भी हैं, और ये अब मंथली चला ही जाएगा। तो मंथली जब कभी भी मैं डीप क्लीन करती हूं तो ऐसे सामान को या तो इकट्ठा कर देती हूं अगर हर मंथ में नहीं जा पाता है तो। इसके बाद मैं कॉर्नर्स पे से सामान हटा के सब क्लीन कर रही थी, तभी दिखे मुझे ये आर्टिफिशियल प्लांट्स और फ्लावर्स। इनको भी मंथ में एक बार ज़रूर क्लीन करना होता है, डेली इनको नहीं कर पाती हूँ। इन सबको एक जो है डिटर्जेंट में अच्छी तरीके से धो देती हूँ और ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, और ये मेरे पास बहुत सारे हैं। बस जब इनको मैं साफ़ करती हूँ तो थोड़ा सा गुनगुना पानी लेती हूँ, क्योंकि डिटर्जेंट इनके ऊपर हल्का सा जम जाता है जिससे एक वाइट लेयर दिखाई देती है। और जो इसमें ख़राब हो रहे थे, जिनकी पत्तियां वगैरह मतलब थोड़ी हट रही थी, उन सबको भी मैंने पेपर टेप की मदद से बिल्कुल सही कर दिया है। और कुछ हमारे ऐसे होते हैं ये बंचेस जो कि ग्लिटर के होते हैं, इनको साफ करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ डीओ का, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये क्लीन हो जाते हैं। ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपने इन सारे फ्लावर्स को या प्लांट्स को एक ऐसा लुक दे सकते हैं कि ये सालों साल चलते हैं। घर में वुडन आइटम्स यानी कि टेबल्स हुए, डेकोर पीसेस हुई, ट्रेज हुई, बहुत सारे होते हैं और इनको हमें लगातार क्लीन करना भी चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, WD-40 के नाम से आता है, मल्टीपर्पज है ये। इसे थोड़ा सा आप वुडन आइटम्स पे लगाइए, डैब डैब करिए, और ये बिल्कुल एक अच्छी सी पॉलिश वाला लुक दे देता है। तो बहुत सारे डेकोर आइटम्स होते हैं उन पर मैंने यूज़ कर लेती हूँ, और इनका यूज़ तो थोड़ा सा मेटल को भी मतलब सही करने में हम कर सकते हैं। वैसे ये प्रोडक्ट जो मेटल के जो स्क्रूज होते हैं उनको थोड़ा सा ग्रीस करने के लिए यूज होता है, इसमें हल्की सी ग्रीस होती है जिससे जो भी आइटम्स होते हैं वो बिल्कुल चमक जाते हैं। तो इसे मैंने मतलब यूज हमेशा ही किया है। आप इसे लेदर के सोफे को भी चमकाने के लिए यूज कर सकते हैं, या एक DIY बना लीजिए कोकोनट ऑयल और विनेगर का, और इससे भी आप वुडन आइटम्स को चमका सकते हैं। जैसे कई सारी टेबल्स होती हैं, चेयर्स होती हैं, जहां तक जो है आप साफ नहीं कर पाते हैं और वो बहुत फेड हो जाती हैं, वहां पे इस DIY का यूज करिए, बिल्कुल नई चमक आ जाएगी। या फिर ये डेज़लो की एक पॉलिश आती है, वाइट ये पॉलिश है, इससे भी बिल्कुल अच्छी सी चमक आ जाती है। थोड़ी सी कोटिंग इसकी लगाइए, थोड़ा मैंने टेप लगा दिया है ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए, और उसे सूखने के बाद थोड़ा सा कॉटन के फैब्रिक की मदद से अच्छी तरीके से रगड़िए, आपको खुद चेंज इसका फील हो जाएगा। What if your sweetness could reach everyone there be?
और अब आई बारी स्टेयर्स की। डेली में सारा सामान हटा के यहाँ पे साफ नहीं हो पाता है, तो मेरा तो पहला रूल डीप क्लीनिंग का ये है कि सारा सामान हटा के मैं बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ। और जहाँ तक रेलिंग की बात है जो कि लगी हुई है स्टेयर्स पे, वो डेली कॉटन के फैब्रिक से साफ हो जाती है, लेकिन हाँ मंथ में एक बार उसको मैं ज़रूर साफ करती हूँ मेटल पॉलिश से। तो ये एक ब्लू ऑक्सी की मेटल पॉलिश है, बहुत बढ़िया है, इसको यूज़ कर लीजिए, या केरोसिन ऑयल का यूज़ करिए जो रस्ट लग जाती है ना एकदम दो मिनट में इससे हट जाती है, या फिर ये डेज़लो की मेटल पॉलिश भी बहुत अच्छी है, इससे मैं अपने पीतल के बर्तन भी चमकाती हूँ। और अगर आपके पास थिनर है ना जो नॉर्मली पेंट के साथ आता है, उसका भी यूज़ आप मेटल के आइटम्स को चमकाने के लिए कर सकते हैं। या फिर मेरा एक ऑल टाइम फेवरेट एक चीज़ और है, और वो है दारा या पीताम्बरी। पीताम्बरी का यूज़ नहीं करूँगी मैं, दारा का यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा सा रब करके इसे छोड़ दीजिए और उसके बाद कॉटन के कपड़े से अच्छी तरीके से रगड़ दीजिए, बहुत ही बढ़िया जो है देखिए एक चमक आ जाती है मेटल की चीज़ों पर। तो स्टेयर्स तो मेरी साफ़ हो गई, लेकिन अब जो साइड में वॉल डेकोर इसमें लगा हुआ है वुडन का, उसको भी मैंने बढ़िया तरह से क्लीन कर The warps, maybe the birds will. अब बारी आई कॉकरोचेस की, मक्खी मच्छर और बहुत सारे कीड़े जो घर में हो जाते हैं। ये हिट का एक इंजेक्शन इस तरीके का आता है कॉकरोचेस के लिए, जब इसे दबाते हैं तो थोड़ा सा देखिए इस तरह से निकलता है और इससे कॉकरोचेस नहीं आते हैं। किचन में मैं इसी का यूज़ करती हूँ, क्रॉकरी की अलमारी हुई, किचन की ड्रॉर्स हुई, और इसे हर 40 डेज पे यूज़ करना होता है। याद से इसको मैं यूज़ करती हूँ, हर महीने लगा देती हूँ और किचन में कोई भी कीड़े नहीं आते हैं। और एक DIY भी बन जाता है और वो बहुत ही बढ़िया है, जिसमें बेकिंग सोडा हुआ, शुगर हुई और रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा का आप यूज़ करिए। एक ये ड्राई जो है एक बन जाता है ये पाउडर की फॉर्म में, और इसको आप थोड़ी थोड़ी जगह पर डाल दीजिए। तो चींटियां तो इससे बिल्कुल नहीं आती, कॉकरोचेस भी नहीं आते हैं, और जो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं वो भी इससे नहीं आते हैं। या फिर लक्ष्मण रेखा का यूज़ करिए, इसको खींच दीजिए और वहाँ पर चींटियां तो बिल्कुल नहीं आएंगी। बहुत ही अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट है। बाथरूम में यूज़ करती हूँ बहुत ही बढ़िया एक और प्रोडक्ट, और वो है हिट का। इसे छिड़क दीजिए और उसके बाद सारे कॉकरोचेस मर जाते हैं, और हाँ इससे छिपकलियां भी काफी दूर रहती हैं। Sing about your heart, maybe the trees will whisper the word, maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. तुम्हारी करवा चौथ की और बने क्या नाम है होली आटे की, हाँ तुमने ज्यादा देखा था वो। अच्छा तुम्हें ना पूरी पूरी फैमिली ज्यादा पूरी तैयारी तो करे ना सूटे, हाँ चली का देखा था ऐस करते हैं। अच्छा जिस दिन घर में मंथली डीप क्लीनिंग होती है उस दिन ये बिजली का सारा सामान भी मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, जिसको कि थोड़ी सी रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, और बुला लेती हूँ नरेश भैया को, और ये सारे सामान को सही मेरे को कर देते हैं। ये सही कर दी सुनील भैया ने, मेरी लाइट पता नहीं कितने दिनों से रखी हुई थी और आज ये निकली और सही हो गई। चीज़ों को शौक से लेकर आना तो बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ उनको मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसीलिए ये सारा सामान जो बिजली का है ये मेरा बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि हर महीने मैं इसे सही कराती रहती हूँ। मंदिर की लाइट खराब हो गई थी और कल बसंत पंचमी है ना, तो इसलिए भी ये सारी चीज़ें मैंने एक दिन पहले ही सही करवा ली। मंथली क्लीनिंग का एक और बहुत ज़रूरी काम है और वो है ड्रेन क्लीनर। मेरे पास एक ड्रेन क्लीनर है, आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये पाउच आते हैं इसके, और एक पाउच में एक जो नाली है उसमें डालती हूँ, जैसे वॉश बेसिन हुए उसमें मैं इसको डाल देती हूँ। ये ड्राई होता है और इससे जो है जो अगर आपको कहीं पे भी रुक रही है ना नालियाँ वगैरह, तो इससे साफ़ हो जाती हैं। इसे डालने के बाद करीब एक घंटे के बाद गर्म पानी डाल दीजिए, नाली की काफ़ी अच्छी सफाई हो जाती है और जो स्मेल आती है कभी कभी वो भी इससे चली जाती है। रेगुलर ये मेरे घर में यूज़ होता है, इकट्ठा मंगा के इसको रखती हूँ, और अब जब डीप क्लीनिंग हो रही है घर की मंथ में, तो ये चीज़ें मुझे याद रहती हैं कि इनका अब मुझे यूज़ करना है। सामान को ऑर्गेनाइज करने के लिए बास्केट्स का मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ और ऑर्गेनाइजर्स का भी। तो अब देखिए ये सब मैंने वॉश करे हैं और ये हैं मेरे यूटिलिटी एरिया के, या जहाँ पे मैं लॉन्ड्री वगैरह मेरी मशीन रखी हुई है लॉन्ड्री करती हूँ ना वहाँ पर। तो मुझे ये सारा सामान देखिए किस तरह से फैल गया है और अब मुझे इसको सही करना है।
अब मतलब एक तरीके से जो यूटिलिटी एरिया वाला पार्ट था ना, उसकी मैंने एक दिन पहले बहुत ही बढ़िया वाली डीप क्लीनिंग करी थी। तो ऑर्गेनाइज़र को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और जो बेकार का सामान था उसे फेंक दिया, तो कई सारे ऑर्गेनाइज़र मेरे खाली भी हो गए जिन्हें कि अब मैं और दूसरी जगह यूज़ कर लूँगी। और जहाँ तक वॉशिंग मशीन की बात है, ये भी बढ़िया तरह से डेली साफ़ होती है। और ये एक देखिए स्टैंड है जो मैं वॉशिंग मशीन के ऊपर रखती हूँ, बढ़िया है, अच्छा है, इससे मेरा काफ़ी सारा सामान इसी के ऊपर आ जाता है। और देखिए ये बहुत अच्छी जो है बूस्टर बॉल्स हैं, सेंट बूस्टर बॉल्स हैं, तो जब कभी भी टॉवल्स वगैरह मैं धोती हूँ ना तब इनको डाल देती हूँ। ये इस तरीके की छोटी छोटी बॉल्स आती हैं, इनसे एक बहुत ही अच्छी जो है खुशबू आ जाती है। अभी खुशबू के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी। तो मंथ में जब कभी भी मैं एक बार सारी जितनी भी टॉवल्स हैं ना उनको वॉश करती हूँ तो ये ज़रूर डाल देती हूँ। और ये थोड़े से मैश बैग्स हैं, देखिए ये तो मेरे काफ़ी यूज़ आते हैं, जैसे सॉक्स वगैरह जब धोने होते हैं, पर्दे धोने हैं या कुछ वर्क वाले सूट धोने होते हैं ना, तो मैं वो इन्हीं के अंदर रख के यूज करती हूँ। तो इनको भी आज जब डीप क्लीनिंग हुई तो मैंने अच्छी तरीके से इनको जो है वॉश कर लिया है और ये भी कपड़ा मैंने धो लिया है। और ये क्या है, ये देखिए एक्चुअली ये एक ऐसा फैब्रिक है जो कि जलता नहीं है जब हम प्रेस करते हैं, तो बहुत डेलिकेट जो हमारे सूट होते हैं जब उन पर प्रेस करते हैं ना तो वो जलने का डर रहता है सिल्क के। तो इस इंसुलेटेड क्लॉथ की मदद से जो है आप इसको रख लीजिए और उसके ऊपर प्रेस करिए तो बिल्कुल बढ़िया रहते हैं। इसी तरीके से खुशबू की एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, ये दो तीन चीजें और मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो ये तो एक पानी अलग से आता है, ये कंफर्ट का जो है वाटर होता है जो कि प्रेस में डाला जाता है। तो जब कभी भी आप पानी का यूज करें, आरओ वाटर या मिनरल वाटर का अगर आप यूज करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा कंफर्ट डाल लीजिए, यानी जो खुशबू के लिए फैब्रिक कंडीशनर्स होते हैं ना वो डाल लीजिए प्रेस करते टाइम। आपके कपड़ों में ना इतनी अच्छी एक स्मेल आ जाएगी कंडीशनर की, फैब्रिक कंडीशनर की, बहुत ही सूदिंग सी, बड़ी अच्छी सी, जैसे धुले हुए एक फैब्रिक होते हैं ना वो लगेंगे। और मंथ का एक और बहुत ज़रूरी काम, ये देखिए एक डीस्केल पाउडर आता है, ये एक्चुअली मंथ में एक बार इस पूरे पाउच को जो है यूज़ करना होता है और ये फुली ऑटोमेटिक मशीन्स में इनका यूज़ करते हैं। तो मशीन में नॉर्मली इसको सब ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन जब कभी भी इसका यूज़ करें तो जहाँ पे ड्रम रहता है मशीन का वहाँ डालिए और जहाँ ड्रम की रबड़ होती है ना उसके अंदर इसको ज़रूर डालिए। तो मशीन में जितनी गंदगी होती है वो सब निकल जाती है, देखिए इस तरह से। और जब इसको यूज़ करें ना तो बिल्कुल भी मशीन के अंदर आप कोई भी कपड़ा नहीं डालेंगे धोने के लिए, मशीन को आपको खाली ही चलाना है। और ये पूरा पाउच देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और मशीन की जो लॉन्गेस्ट साइकिल होती है जिसकी भी, जैसे कॉटन की, वो मैंने यूज़ करी और इसमें हॉट वाटर का यूज़ किया। मशीन एकदम बढ़िया इससे रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम मशीन में नहीं आएगी। मेरी ये मशीन भी 7-8 साल पुरानी है और बहुत ही बढ़िया चल रही है, IFB की ये है। और इसके बाद आई मेरी क्लीनिंग बास्केट की, तो क्लीनिंग बास्केट्स तो मेरी बहुत सारी हैं, आपके साथ शेयर मैंने काफी कर रखी हैं और इनके अलग अलग टूल्स भी मेरे पास हैं जिनका कि मैं यूज करती हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इन सारी चीजों को यूज करिए और जितने भी ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपके साल दो साल तक चलते हैं। धीरे धीरे अपनी क्लीनिंग की आदत और उसके साथ साथ बास्केट बनाने की आदत जरूर डालिए। तो क्लीनिंग के टूल्स हुए, क्लीनिंग की बास्केट हुई, ये मंथली और वीकली डेली के हिसाब से लगभग अलग अलग हैं। और अब देखिए ये मेरा जो अब मंथली क्लीनिंग में एक चीज़ और होती है और वो देखिए होता है जो मेरा मॉप है ना उसको क्लीन करना। तो अभी जो है मॉप के आगे के जो राउंड्स आते हैं ये इस तरीके से जो मॉप आता है इसको निकाल के मैं बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश करूँगी। और पूरा मतलब जितने भी ये दो हैं मेरे पास, एक मॉप नीचे रहता है स्पिन मॉप, एक ऊपर रहता है, और दोनों परफेक्ट वर्क कर रहे हैं। आपने रिव्यू पूछा था, बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं अभी भी ऊपर के पोर्शन में खुद ही सारी क्लीनिंग करती हूँ, नीचे का जो क्लीनिंग का काम है झाड़ू और पोछे का काम वो अब मैं नहीं करती हूँ। और इस तरह से मेरा ये सारा काम जो है ख़त्म हुआ, जिसमें सारे ऑर्गेनाइज़र और पूरी यूटिलिटी एरिया को मैंने क्लीन किया। और क्लीन भी ऐसा हुआ जिसमें बिल्कुल डीप क्लीन आप बोल सकते हो। और एक चीज़ और थी जो मुझे करनी थी, वो थी दरी और कारपेट की क्लीनिंग, लेकिन विंटर्स में अब ना 2-3 दिन से बारिश हो रही है जिसकी वजह से ये काम हो गया अब पेंडिंग। और इनको मैंने रख दिया है, मतलब यूज़ होते रहेंगे, लेकिन अभी मैं इनको वॉश नहीं कर रही हूँ। तो मैंने बहुत बड़ा पोर्शन घर का क्लीन किया, ये तो आप 14 मिनट्स में देखोगे, लेकिन इसको करने में 14 आवर्स ही लगते हैं। और अब ये सारी चीज़ें वॉश हो जाएंगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग
वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।